Assalamu alaikum viewers, this is Umair Khan in front of you once again with the same topic sentence. Viewers, आज हम topic sentence के बारे में थोड़ी सी मज़ीद बात करेंगे और आज हम जो point discuss करेंगे sentence के हवाले से वो है basic structure. तो viewers, here we go. Viewers, basic structure discuss करेंगे आज, जिसमें तीन चीज़ें होती हैं बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. व्यूअर्स, मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ब्रैकेट में लिखा है, आपको नज़र आ रहा है. व्यूअर्स, आप सोच रहे होंगे कि इनको ब्रैकेट में क्यों लिखा गया है, तो उसकी वजह यह है कि कभी ऐसा भी होगा कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब मौजूद होंगे लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यानी ये ऑप्शनल होगा, तब भी वो सेंटेंस ही कहलाएगा. आगे उसकी बात करते हैं. कभी ऐसा होगा कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा लेकिन सब्जेक्ट नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ वर्ब मौजूद हो, ना ऑब्जेक्ट हो, ना सब्जेक्ट हो और ना ही ऑब्जेक्ट हो. तो व्यूअर्स, आगे चलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को वन बाय वन समझते हैं. सब्जेक्ट को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मुख्तसर सा बता दूं, इट इज़ व्हाट और हुम द सेंटेंस इज़ अबाउट. सब्जेक्ट वो चीज़ है जो कि आपको जुमले के बारे में ये बताती है कि जुमला किस चीज़ या किस शख्स के बारे में है. वर्ब, इट इज़ द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच शोज़ एन एक्शन, एनी स्टेट और फीलिंग्स. वर्ब जुमले के अंदर वो चीज़ होती है जो कि आपको कोई भी एक्शन शो करे या एनी स्टेट यानी कोई हालत और फीलिंग या कोई एहसास जाहिर करे, वो वर्ब कहलाएगा जुमले के अंदर. देन ऑब्जेक्ट, इट इज़ द पार्ट ऑफ सेंटेंस समथिंग डन ऑन और इन शॉर्ट इट रिसीव्स द एक्शन. ये जुमले का वो हिस्सा है जो जिस पर काम किया जाता है, या मुख्तसर हम ये कह सकते हैं इट रिसीव्स द एक्शन, ये एक्शन रिसीव करता है यानी उस पर काम किया जा रहा होता है. ये बात हुई सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के डेफिनेशंस की. आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा यहाँ तक. अब हम सेंटेंसेस की मदद से यानी एग्जाम्पल्स की मदद से हम जितना हमने डिस्कस किया उसको क्लियर करते हैं. व्यूअर्स, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ. इस जुमले में आई सब्जेक्ट, प्ले वर्ब एंड क्रिकेट ऑब्जेक्ट, तीनों चीज़ें आ गई. देन व्यूअर्स, पार्क योर कार, अपनी गाड़ी पार्क कर दें. पार्क वर्ब, योर कार ऑब्जेक्ट, नो सब्जेक्ट. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी सेंटेंस कहेंगे. क्यों? क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर में सेंटेंस की डेफिनेशन हमने दी थी जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करें. तो इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, पार्क योर कार, अपनी गाड़ी पार्क कर दें. ही वर्क्स इन अ बैंक, वो एक बैंक में काम करता है. ही सब्जेक्ट, वर्क्स वर्ब. इन अ बैंक कॉम्प्लीमेंट है, या हम दूसरे अल्फाज में एडवर्ब ऑफ प्लेस भी कहते हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की जब हम बात करेंगे तो हम एडवर्ब ऑफ प्लेस भी क्लियर करेंगे वहाँ. तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसको कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं. कॉम्प्लीमेंट की हमने पहले भी वीडियो में बात की है कि वो चीज़ जो कि जुमले को क्लेरिफाई करे, मज़ीद वाज़े करे. ही वर्क्स, वो काम करता है, ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट. ही वर्क्स, तो बग़ैर ऑब्जेक्ट के तब भी हमारा सेंटेंस है, कॉम्प्लीमेंट की मदद से क्लियर हो रहा है. ही वर्क्स इन अ बैंक, वो बैंक में काम करता है. दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड. दे सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग वर्ब, इन द ग्राउंड कॉम्प्लीमेंट. वो ग्राउंड में खेल रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब.
ऑब्जेक्ट नहीं है व्यूअर्स, लेकिन कॉम्प्लीमेंट है, तो हमारा सेंटेंस जो है वो हमें मीनिंग दे रहा है कि वो ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या पॉसिबली हो सकता है, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ कि कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। देखिए, अगर हम इस सेंटेंस में क्रिकेट का वर्ड यूज़ करें, दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, तो क्रिकेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहलाएगा। दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो फिर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाएगा और कॉम्प्लीमेंट इसके साथ होगा, लेकिन इस वक्त इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। देन व्यूअर्स, गो एंड प्ले, गो एंड प्ले, कभी कभी कहते हैं ना कि जाओ और खेलो, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है उस जुमले से कि हाँ, हमें कहा जा रहा है कि आप जाओ और खेलो। नो सब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई ऑब्जेक्ट है, जस्ट वर्ब गो एंड प्ले, जाओ और खेलो, तो ये भी एक सेंटेंस है बगैर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के, इसलिए मैंने इनको ब्रैकेट में लिखा था, जस्ट वर्ब। और हमने पहले ही बात की थी सेंटेंस की, जब हम बात कर रहे थे, हमने ये भी कहा था कि एक वर्ड भी सेंटेंस हो सकता है, तो यहाँ पर एक वर्ड जो है वो भी सेंटेंस है। देन वाटर इज बॉइलिंग, पानी उबल रहा है, वाटर सब्जेक्ट, इज बॉइलिंग वर्ब, उबल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे जुमलों को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। कुछ ऐसे सेंटेंसेस हमें मिलते हैं, दे डोंट नीड एनी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं होती है। द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है, द सन सब्जेक्ट, इज शाइनिंग वर्ब, सूरज चमक रहा है। नो ऑब्जेक्ट, क्योंकि नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, बगैर ऑब्जेक्ट के वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे होते हैं। तो व्यूअर्स, ये हुई बात बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की। उम्मीद है आपको जो लेक्चर हमने आज डिस्कस किया, आज के लेक्चर में आपको समझ में आ चुका होगा और तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होगी सेंटेंस के हवाले से, बेसिक स्ट्रक्चर के हवाले से। इस पर हम मज़ीद भी हम बात करते रहेंगे सेंटेंस के हवाले से आइंदा लेक्चर्स में इंशाल्लाह। और आज की जो वीडियो आपने देखी, इसके हवाले से आपके कमेंट्स हमें चाहिए होंगे, हमें खुशी होगी अगर आप कमेंट्स करेंगे और आप लाइक करेंगे हमारी वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।